Audio Jungle. So now, today I am going to start class 7th chapter 3, Rational Numbers. अब ये students दिए गए हैं MCQs. ये आपके MCQs हैं Rational Number के class 7th math के. अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 7/-8. तो इसमें हमें ये बताना है कि जो 7/-8 है, -7/-8 या इसी को हम लिख सकते हैं -7/8. ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके इक्वल नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है किसी का भी, मान लीजिए हमें 7/8 का निकालना है. ठीक है, तो पहले हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -21/24. ठीक है, तो ये वाला जो है तेरा कौन सा नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन होगा ये. ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. फिर इसके बाद दिया है 14/-16. अगर हम 7/8 में 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, देखिए -14/16 आपको मिल जाएगा, -14/16 आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसी का मतलब 14/-16 कह लीजिए, -14/16. ठीक है, तो ये भी इसका है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, फिर कौन सा नहीं होगा. अब इसके बाद ये दिया 56/-, इसमें देखिए दोनों जगह पे माइनस है, इसमें दोनों जगह पे माइनस है, यानी ये लिखा है -56/-64. ठीक है, ये लिखा हुआ है. तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यही ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी. ठीक है, बाकी को करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमने आपको बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकालते कैसे हो, तो आंसर में ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर सी हो जाएगा इसका. ठीक है, क्योंकि अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमें मिल जाता -35/40. तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी देखिए मिल जाता ये वाला. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, फर्स्ट का सी. अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन विथ डेनोमिनेटर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन, ठीक है, विथ डेनोमिनेटर 5, इसमें किसको डेनोमिनेटर 5 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है. ठीक है, तो अब देखिए पहले वाले का, पहला वाला ऑप्शन जो है 1/-5, तो इसको -1/5 लिखेंगे. ठीक है, तो इसका डेनोमिनेटर 5 हो गया, इसका डेनोमिनेटर 5 हो गया, तो हमने ए को सॉल्व कर दिया, इतना आ गया. बी को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप बी को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए -3/15. अगर इसको आप 3 से कैंसिल कर दोगे तो ये आपको -1/5 मिल जाएगा. तो इसका भी डेनोमिनेटर कितना है, 5 है. फिर सी को सॉल्व करिए, देखिए तो ये 15/21. हम डिटेल में बता रहे, डायरेक्ट भी आपको ऑप्शन में बता सकता था, लेकिन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए तो देखिए 3/5 = 15, 3/7 = 21. तो इसका डेनोमिनेटर 5 नहीं है, सी वाले का डेनोमिनेटर कितना आया, 7 आया, 5 नहीं आया. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि कैन नॉट बी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन विद डेनोमिनेटर 5, तो इस सी को हम जो है कैन नॉट बी रिटन विद डेनोमिनेटर 5 नहीं लिख सकते. तो ये सेकंड हो गया. अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द रेशनल नंबर. अब यहाँ पे ये रेशनल नंबर दिए गए हैं थर्ड क्वेश्चन में, क्या है देखिए 2/-1
थ्री, ठीक है, ये है टू अपॉन माइनस थ्री, ये नेक्स्ट क्या दिया सेवन अपॉन एट, ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व। तो अब इसमें करेंगे क्या कि सबका माइनस या तो हम ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे, माइनस टू बाई थ्री, फिर सेवन बाई एट और फिर माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े में लिखना है। तो इसके डेनोमिनेटर को अगर हम सेम कर दें, प्लस वाला सबसे बड़ा होगा, प्लस वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो जब प्लस वाला सबसे बड़ा होगा तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इनके डेनोमिनेटर सेम करना है, माइनस टू अपॉन थ्री और माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व। इसमें देखना है हमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो अगर इसमें हम फोर से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले में अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। क्या मिल गया हमें? माइनस एट अपॉन ट्वेल्व, ये आ गया, ठीक है, माइनस एट अपॉन ट्वेल्व एंड माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। तो देखिए कौन सा बड़ा होगा इनमें, तो जो माइनस में जो छोटा नंबर होता वो बड़ा होता, तो माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हो गया माइनस एट अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। तो इनको इनका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, पहले इसको लिख दीजिए माइनस एट अपॉन ट्वेल्व, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, फिर इसके बाद आ जाएगा एक प्लस का बचा था सेवन अपॉन एट, ठीक है। अब माइनस एट अपॉन ट्वेल्व कौन है? माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? सेवन अपॉन एट। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। देखिए ये वाला है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला। तो देखिए फोर्थ वाला इजी है, जीरो अपॉन कुछ भी हो, देखिए स्टूडेंट ये आप समझ लीजिए कि जीरो अपॉन कुछ भी हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो में इससे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। जीरो अपॉन कुछ भी हो उसकी वैल्यू, मतलब जीरो को छोड़ करके, जीरो अपॉन, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन जीरो, जीरो अपॉन जीरो जीरो नहीं होता है, जीरो अपॉन वन जीरो होता है, जीरो अपॉन टू जीरो होता है। देखिए जीरो अपॉन हंड्रेड लिखोगे, जीरो अपॉन अगर आप हंड्रेड लिखोगे तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। अगर आप जीरो अपॉन हंड्रेड भी हम लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो जीरो अपॉन वन की वैल्यू ज़ीरो होती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। फाइव में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है, फाइव कंप्लीट वन बाई सेवन माइनस वन कंप्लीट वन बाई फोर्टीन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जीरो अपॉन सेवन, ठीक है। तो वैसे इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि यहाँ पर x लिखा है, ठीक है, यहाँ पर x लिखा है। चलिए अब इसके बाद हम जो है डिवाइड का यहाँ कर दें मल्टीप्लाई, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेवन अपॉन ज़ीरो, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते सेवन अपॉन ज़ीरो, ये हो जाएगा सेवन एक्स अपॉन ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी नंबर के अपॉन में ज़ीरो है तो वो हमेशा क्या होता है? वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है,
ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, नॉट डिफाइन। इसको ज़रूरत नहीं है 5 कम्प्लीट 1/7 इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है वो एक नंबर माना जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते तो एक ही रेशनल नंबर मिलता, हमें दो नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि वो एक्स है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सॉल्व करके करना है तो मैं वो भी बता देगा, 5 कम्प्लीट 1/7 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36/7, ये हो जाएगा 36/7, ये हो गया। माइनस यहाँ पर आ जाएगा 15/14, ये हो गया 15/14 हो गया। अब इसके डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए, तो डेनोमिनेटर जब सेम करेंगे तो 36/7 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 15/14, ये कितना हो गया 72 - 15/14, ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 12 में से 5 गई 7 आ गई, 6 में से 1 गया 5 आ गया 57, ठीक है, अपॉन 14, ठीक है। तो ये मिला, इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 57/14, ठीक है। और अब डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 7/0 हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करोगे 7 × 7 = 49, ठीक है, यहाँ से लाई 4 × 7 = 35 और 4 = 39, ये हो गया, ठीक है, 399, ये आ गया 399 अपॉन, ठीक है, 14 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो अब बस ये आ गया किसी के अपॉन में 0। तो ये टाइम वेस्टिंग है, अगर इस तरीके का है और MCQs में है, हमें सॉल्व नहीं करके दिखाना है, तो डायरेक्ट हम उसको x मान करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज के लिए 5 ही क्वेश्चन काफ़ी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।